नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जिलों में महानगरों में आम जनमानस को नाइलाज के लिए जाना पड़े इसके लिए अनेकों प्रकार की कोशिशों में लगी हुई है और इससे अनेकों प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए सारी सुविधाएं जिला चिकित्सालय में उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है, जिस क्रम में जनपद श्रावस्ती में जन्म से ही बच्चों के जो बीमारियां हैं किसी भी तरह की हों इसके इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में ही उपलब्ध वो इलाज कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SP तिवारी ने संयुक्त जिला अस्पताल में स्थित क्लब फुट क्लिनिक का फीता काटकर शुभारंभ किया है। क्लिनिक में प्रत्येक शनिवार को ऐसे बच्चों का पंजीयन और इलाज किया जाएगा जिनके कुछ कमियाँ हैं और जिन्हें किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ा हुआ है। फरुखाबाद जिले में चीता दिखाई देने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। कई दिनों से चीते की आहट से ग्रामीण भयभीत हैं। कार सवार लोगों ने चीते का भागते हुए 3 दिन पहले वीडियो बनाकर वायरल किया है। वन विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया था। देरा चीते ने एक गाय और कुत्ते को अपना निवाला बना दिया। चीते का स्थान पर हमला करते हुए एक और कार सवार ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग के अधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। थाना संचाबाद क्षेत्र के नगला नान का पूरा मामला। प्रयागराज के हांडिया तहसील अंतर्गत आने वाले चक अब्दुल्ला गांव में जहां पर राघव प्रसाद यादव अपने पुश्तैनी जमीन पर मकान का निर्माण करा रहे थे, जिसके बाद विपक्षी गढ़ साधु भारतीय द्वारा उनके मकान निर्माण में अवरोध उत्पन्न किया गया, जिसके बाद पीड़ित ने इसको लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायालय से आदेश के बाद उपजिलाधिकारी द्वारा राजस्व टीम को भेजकर जमीन की नाप कराई गई है। उसके बाद भी पक्षीगढ़ पीड़ित को उसका मकान नहीं निर्माण करने दे रहे थे, जिसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी के आदेश पर थाना अध्यक्ष द्वारा पुलिस बल मुहैया कराया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश की। अपने मंसूबों पर पानी फिरता देख विपक्षी दलों से रहा नहीं गया, जिसके बाद विपक्षी गढ़ साधु भारतीय सूबेदार भारतीय जिलेदार अशोक कुमार बब्बू और अपने दर्जनों साथियों के साथ मिलकर पुलिस बल के ऊपर ईंट पत्थर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आए, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस टीम के कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। मौके पर उपस्थित पुलिस बल ने थाना हांडिया में फोन कर इसकी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तत्काल थाना अध्यक्ष हांडिया और जिलाधिकारी हांडिया मौके पर पहुंचे, शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे SP गंगपार अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि दो पुलिसकर्मी सामने में घायल हुए, उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। चक अब्दुल्ला थाना हंडिया क्षेत्र का मामला है। आज थाना समाधान दिवस के उपरांत पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जल्दी प्रकरण का निस्तारण प्रस्तावित था। उक्त के पूर्व ही विपक्षी द्वारा यहां पर मौके पर दो पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चला दिए गए, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से चोरू हुए 7 माह के बच्चे को अभी GRP तलाश नहीं कर पाई है। GRP की टीमों ने अलीगढ़ हाथरस में भी बच्चे की तलाश की, संदिग्ध का फोटो जारी किया है, लेकिन अब तक बच्चे की तलाश नहीं हो पाई है, जिसके बाद परिवार परेशान है और लगातार पुलिस से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द उनके बच्चे को सकुशल ढूंढ निकाले। GRP की टीम बच्चे की तलाश में अलीगढ़ हाथरस भी पहुंची। CCTV में कैद हुए बच्चे के चोरी की घटना के आधार पर छानबीन की जा रही है, संदिग्ध की पहचान लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। फोन नंबर 8 से बच्चा कम से कम चोरी हुआ है। इस संबंध में बच्चे की माता ने FIR दर्ज कराई है थाना GRP मथुरा जंक्शन पर। इसमें FIR दर्ज हो रही है, विवेचना चल रही है, टीमें गठित कर दी गई है, जल्दी बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। सर, लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। मेरी जानकारी में पहला मामला है तो इस संबंध में मैंने आपकी जानकारी दी थी, ये भी जल्दी वर्कआउट होगा। भाद्रपद अमावस्या पर ब्रजघाट गंगा पीठ पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शनिवार को सुबह 4 बजे से ही गंगा तट पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद घाटों मंदिरों में पूजा अर्चना की। वहीं घाटों पर पुलिस तैनात रही। पुलिस की सक्रियता के चलते इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम नहीं लग पाया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई।
नाम राजकुमार शर्मा लालू है, मैं फील्ड पुरोहित संघ का अध्यक्ष हूँ। आज कुशोध पाटनी अमावस्या है और पितरों का विशेष दिन है। आज प्रातकालीन 4 बजे के करीब जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उनके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और पितरों की विशेष पूजा का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा एक धरना लगभग 3 महीने से दिया जा रहा है। शासन प्रशासन किसानों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी समझौते का तानाशाही रवैये से उल्लंघन किया गया। इससे नाराज होकर किसानों को धरना प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ा। ज्ञापन देने वाले भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। विषय यही है कि जो मोहनपुर नागल फाटक पर जो जमीनों का अधिग्रहण किया गया था तो वहाँ पर काम तो लगा दिया गया, लेकिन उनको जो उनका वैकल्पिक मार्ग था वो तैयार करके नहीं दिया। मेन मुद्दा ये है कि उनको उसका मुआवजा मिले, वो वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार करके दे दें, वो अपना काम कर ले। पर चूँकि SDM साहब ने लिखित रूप में भी दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। लिखित रूप में देने के बावजूद भी इन लोगों का रास्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ। साड़ी वितरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजन का कार्य किया गया था और 6,818 साड़ियों का वितरण हुआ। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 2 साड़ियां दी गई। मंच पर मौजूद रहे पूर्व आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, जिलाधिकारी, SP, CDO, जिले के तमाम अधिकारी। प्रदेश की सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है, पर्यटन मंत्री ये कहते हुए नजर आए। जयवीर सिंह, 11 महिलाओं को सांकेतिक रूप से गोद भराई की गई। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में BJP 80 सीटें जीतेंगी, ऐसा भी कहते हुए वो नजर आए। हमारी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को 3,000 से ज्यादा सहायिका और आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता हैं, उनका साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ गोद भराई का भी कार्यक्रम, सांकेतिक रूप से 11 महिलाओं को यहाँ गोद भराई का कार्यक्रम है। ये प्रदेश की सरकार जिस तरीके से गांव गरीब के दरवाजे तक लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है, इन्हीं के माध्यम से कर रही है, उसी का परिणाम है कि आप चाहे मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर हो, मात मृत्यु दर हो, उसमें गिरावट आई है। हरदोई के पाली थाना इलाके में किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गर्रा नदी पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस ट्रैक्टर पर 25 से 30 किसान सवार थे, जिनमें से 6 किसान नदी में तैरकर बाहर आ निकले, अन्य का कुछ पता नहीं चल पाया है। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण परिजन पुलिस मौजूद है। किसानों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया। हमीरपुर में प्रशासन की अपील के बावजूद भी लोग जो नदियां हैं उसके पास जाकर सेल्फी ले रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर यमुना पुल की रेलिंग के पास दर्जन लोग यहां पर सेल्फी खिंचवाते हैं। लोगों को पुल की रेलिंग के पास सेल्फी लेने से मना करने के लिए भी पुलिस लगाई गई है। पुलिसकर्मियों के सामने ही लोग फोटो खिंचवाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन इन पर नहीं लिया जाता। शहर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का एक पूरा मामला, ड्यूटी में लगाए गए पुलिसकर्मी मुख दर्शक बने रहते हैं। जानलेवा सेल्फी पॉइंट से कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। मंगलौर चौकी के निकट देवबन नगर पालिका कर्मचारियों एवं मंगलौर चौकी प्रभारी ललित तोमर के द्वारा स्टेट हाईवे पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। देवबन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉ. धीरेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार चंद्र प्रकाश पद अधीक्षक नगर पालिका देवबन मंगलौर चौकी इंचार्ज ललित तोमर ने अपनी टीमों के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर साथ लेकर रोड से अतिक्रमण को हटाया। भूमि अखेड़ा मंदिर से मंगलौर चौक तक चलाए गए अभियान में 4 लोगों के चालान कर जुर्माना वसूला गया है, साथ ही अनेकों लोगों को चेतावनी देकर 2 दिन का समय भी दिया गया है। हाँ, अतिक्रमण हटाने के लिए मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए थे, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को, और उसी क्रम में आज इनके द्वारा कार्रवाई चलाई गई है और उनको कहा गया है कि इसमें क्रमवार अतिक्रमण अभियान चलाएं और सभी के जो बार बार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घपले की अब तक की जांच में राज्य के 9 जिलों में नकल माफियाओं का जाल सामने आ चुका है। इसी बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। शनिवार को RIMSC कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को SDF उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और केंद्रपाल और अन्य के माध्यम से सौदा करने के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया है। सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, उसके बाद ही इसमें हमारी STF की टीम को भेजना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहली जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी, इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं RMS कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।